नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है कि उसे राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने को निर्देश दिया जाए। आयोग ने कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा कि राहुल गांधी ने 2021 में नाबालिग दलित रेप पीड़िता के परिवार की फोटो ट्वीट की थी, जो कानून का उल्लंघन है। आयोग ने गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस को पॉस्को के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने की भी मांग की है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने केस से जुड़े लोगों से 8 हफ्ते में हलफनामा मांगा है। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। NCPCR ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भी अपना काम पूरी तरह नहीं किया है। उसे विवादित ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देना चाहिए था, लेकिन उसने इसे केवल भारतीय डोमेन से हटाया। NCPCR ने कहा है कि राहुल का अपराध अभी भी कायम है, क्योंकि पोस्ट केवल भारत में रोकी गई है। यह पोस्ट भारत के बाहर कहीं भी देखी जा सकती है, यानी पीड़िता के परिवार की पहचान बताने वाली फोटो वाला ट्वीट दुनिया में सभी देशों के डोमेन में मौजूद है। FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांगा था। याचिका सोशल वर्कर मकरंद सुरेश ने 2021 में दायर की थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।